नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। राजापुर गांव एक छोटे से गांव का नाम है जो कि मध्य प्रदेश के पिछले कुछ दशकों में नवरात्रि के महोत्सव के लिए जाना जाता है। यह गांव अपने परंपरागत संस्कृति, प्रेम और विश्वासों के लिए प्रसिद्ध है और नवरात्रि का महोत्सव इसकी भावनाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नवरात्रि का समापन एक महत्वपूर्ण अवसर है और राजापुर गाँव में यह बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर ग्रामीण एकत्रित होते हैं और मंदिर से कलश को नदी के किनारे ले जाते हैं जहां वे इसे विसर्जित करते हैं। विसर्जन समारोह के दौरान ग्रामीण मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। नवरात्रि के समापन के अवसर पर राजापुर गांव में एक अलग ही माहौल होता है, हर कोई उत्साहित और खुश होता है। ग्रामीण एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। नवरात्रि के समापन का अवसर एक अनुस्मारक है कि माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें शक्ति, साहस और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनके आशीर्वाद के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। इस अवसर पर गांव के बच्चे भी बहुत उत्साहित होते हैं। वे नवरात्रि के दौरान हुए अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे अपने माता पिता से माँ दुर्गा की कहानियां सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के समापन के अवसर पर गांव के बुजुर्ग भी बहुत खुश होते हैं। वे अपने जीवन के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों को माँ दुर्गा की महिमा के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के समापन का अवसर राजापुर गांव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक ऐसा अवसर है जब गांव के सभी लोग एक साथ आते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।